बात है कि हिंदुस्तान में इस प्रकार से लोग भूखे मर रहे हैं। आपने ये जो एग्जीबिशन बनाया है, इससे हमारे जो चाय हमारे लिए तैयार करते हैं उनकी हालत दिखाई देती है। कुछ समय पहले अधीर जी मेरे पास आए और उन्होंने थोड़ा आपके बारे में मुझे बताया। वहां जो भुखमरी हो रही है, जो दुख है, जो कठिनाइयां हैं, उसके बारे में बताया। और मैंने उनसे कहा कि अगर यहां आप धरना करेंगे तो मैं भी आपके साथ धरना में आना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां आया। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इनकी भी बात हो, इनके भविष्य की बात हो, इनकी दुखों की बात हो, इनकी कठिनाइयों की बात हो, इनकी भूख का हो, इसलिए मैं यहां आया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे टी वर्कर्स हैं जो अब यहां हो और जो बंगाल में है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार ने आपके लिए कानून बनाए थे, भोजन का अधिकार का कानून बनाया था, मनरेगा, अलग 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 गरीब लोगों के लिए हमने कानून बनाए थे। और हमारी पूरी कोशिश होती थी कि इस देश में जो प्रगति हो तो सबकी प्रगति हो, मिडिल क्लास की प्रगति हो, गरीब लोगों की प्रगति हो, और मिलकर हम सब आगे बढ़े। दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री चाय पे चर्चा की बात करते हैं, मगर जो उनको चाय देते हैं, जिनकी वो चाय पीते हैं, उनके बारे में वो बात नहीं करते। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, अधीर जी, बंगाल में आप इनके लिए लड़े, मैं भी इनके लिए लड़ूंगा। और मैं वेस्ट बंगाल की सरकार को और हिंदुस्तान की सरकार को मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी इनकी मदद कीजिए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए जहां पे हमारे मजदूर भूखे मर रहे हैं, जहां पे इनका भविष्य